चंद्रांशु जी महाराज बोलिए प्लीज। फजील जी अब आप अपनी बारी का इंतजार करिए, बोलिए। बीच में बोलने की इनकी आदत ही चुप नहीं हो सकते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं सभी को प्रेम पूर्वक धैर्य पूर्वक सुन रहा था जी। मैं इतना कह रहा हूँ कि अभी हिंदू समाज को तो किसी जाति जनगणना से दिक्कत नहीं है, ये भी दुहाई तो दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े अच्छे व्यक्ति यही है, पर अगर ये इतने ही ईमानदार है इनसे पूछ लो तो हिंदू समुदाय के किसी व्यक्ति के द्वारा इसका विरोध नहीं हो रहा। ये साथ भी रहे तो आधे आधे मन से क्यों नहीं दे रहे हैं, और इनके सहयोगी पार्टी वाले लोग इनको साथ क्यों नहीं देंगे? अभी सुनो, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। अरबों की प्रॉपर्टी लेकर बकबोट के नाम पर दान बंडर बंदरबाट भारत का चल रहा था, नहीं बोल पाते उस समय। एक बार विरोध नहीं करते नहीं चाहिए। अल्पसंख्यक 40 करोड़ की आबादी की कहां से अल्पसंख्यक को क्यों नहीं लेते? हमारे समाज को तोड़ने के लिए लगातार बने हुए हो कि कहां दूसरे घर में बहुत छापते हो, शिया है सुन्नी है, इतने इतने उदाहरण मिल रहे हैं, उनके साथ बातें क्यों नहीं करते हो? अपने घर में नहीं देखोगे, हमारे घर में लगातार तोड़ना है, लगातार जगना, खुद की देखो ना क्या हो रहा है। अगर जहां पर यहां पर हो हिंदू मुस्लिम लड़ोगे, जहां दूसरे देश के लिए हुआ जैन से लड़ोगे, पारसी से लड़ोगे, कहां शांत रहते हो? पूरे जगह तो वही करते रहते हो। सुनो, अशांति नहीं, गलत बात है। ये जो पैगाम देते रहे तो बीच बीच बोलने नहीं दोगे, अकेले बन के समझदार ठीक है क्या? चंद्रांशु जी बात पूरी कर, जाति जनगणना पे बोलिए ना प्लीज। मैं जाति जनगणना बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। जाति जनगणना होनी चाहिए, और जो सुविधा एक दायरे में जो औरतों को फैक्ट्री बना करके इन लोगों ने रखा हुआ है, बेटा पैदा किए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं, कहीं रुकावट नहीं है, औरतों को एकदम केवल फैक्ट्री समझ के रखा है, उनकी बच्चा पैदा करने वाली कहीं दुकान है उनकी, उसको रोकना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा इन लोगों को, ऐसे नहीं चल पाएगा। ये अल्पसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक से भी बाहर इनको करना चाहिए। ये हर जगह खून बहाएंगे, हर जगह ये सब करेंगे, सब नहीं होता। जाने आपकी तकलीफ हमको समझ में आ रही है, चेहरा खुल रहा है, आपका दुख जो है ना कुछ और है, खुल रहा है, इसलिए ये परेशान दुख जो है दलितों के प्रति नफरत, नफरत आदिवासियों के प्रति नफरत, इनको एक दुख है, इनको सिर्फ एक ही परेशानी है कि जाति जनगणना होती है, इसका भेद हो जाएगा, सरकार की जो नियत नीति चल रही है कि व्यवस्था किनको मिलना है, उससे वंचित हो जाने का दर्द है। तीसरे नंबर पर बकबोट की जमीन भारत के अंदर है, रेलवे के बाद इनके पास ही भारत में बकबोट के नाम पर जो कांग्रेस ने दिया है। ठीक है, ठीक है चंद्रांशु जी, ठीक है, आऊंगी आपके पास भी।